आठवीं दुर्गा कौन है? महागौरी टीचाष्टमम। आठवीं दुर्गा है महागौरी। महागौरी का दर्शन करिए, आहा क्या क्या दूध जैसा मैया का वर्ण है, और मैया वृषभ पे विराजमान है, नंदी पे विराजमान है, एकदम दूध जैसा नंदी है, और बड़ा सौम्य रूप है महागौरी का, बड़ा प्यारा रूप है। एक हाथ में त्रिशूल लिए है, एक हाथ वरद मुद्रा में है, आयुध मैया ने धारण किए हैं। महागौरी आठवीं दुर्गा है, ये आठ नवरात्र में आठवें नवरात्र की दुर्गा है। और आठवीं भक्ति क्या है दास्य के बाद में कौन सी भक्ति है? आठवीं सख्य। पुराणों में कथा है कि पार्वती जी तप करते करते काली पड़ गई थी। पहले तो पार्वती जी बहुत गोरी थी, लेकिन इतना भोले बाबा का तप किया, इतना धूप में अपने को जलाया, आग में बैठ, जल में बैठ, तो मैया काली पड़ गई। तो भोले बाबा वर देने को आए, तो ऐसी भी पुराणों में कथा है कि अरे मैंने तो सुना था पार्वती बड़ी सुंदर है, ये तो तप करते करते कैसा शरीर सुखा लिया, काली पड़ गई। तो पुराणों में कथा है, तब भोले बाबा के सिर पे गंगा जी तो रहती हैं, तब भोले बाबा तप करती हुई पार्वती जी को अपने सिर की गंग धारा से स्नान कराया। भोले बाबा मैया को स्नान कराया, तो जो पार्वती जी का देह काला हो गया था, वो बाबा के माथे से जब गंगा की धारा गिरी तो गौर वर्ण हो गया, गौरी नहीं महागौरी, महागौरी महागौरी महागौर वर्ण हो गया जगदम्बा का। और क्या हुआ? फिर भगवान के संग विवाह हो गया, भोलानाथ के संग। ये महागौरी सख्य भक्ति है। अरे जगदम्बा काली पड़ गई थी, उनको भोलानाथ स्नान कराए, गोरी हो गई, सुंदर हो गई, ये तो कथा है। वो जगदम्बा तो सदैव सुंदर है, उनको कौन सुंदर करेगा? वो सुंदर नहीं हुई, ये महागौरी की कृपा से जीव सुंदर हो जाता है। बोले अभी हम सुंदर नहीं है क्या? बोले अभी तो चमड़ी की सुंदरता है, वो भी कितने दिन की है खबर नहीं, जैसे जैसे बुढ़ापा आता है सबरी सुंदरता बराबर हो जाती है, झुर्रियां पड़ जाती है, कितना कुछ करिए, बड़े बड़े सुंदर लोग कुरूप हो जाते हैं, शरीर की खाल लटक जाती है, सबरी सुंदरता बराबर हो जाती है, जरा कोई रोग लग जाए। और दूसरी बात, ये शरीर की सुंदरता से संसार को रिझाया जा सकता है, गोविंद को नहीं। हम लोग सुनेंगे राम कथा में सुपर्णखा कितना मेकअप करके आई, सोचिए कितना बनठन के आई, कितनी लीपा पोती करके आई, राम जी नजर उठा के देखे नहीं उसकी तरफ, वो इधर खड़ी है, राम जी उधर देख रहे, किसको देख रहे? सीता जी को देख रहे, उसकी तरफ नहीं देखते। क्यों? सुंदरी तो बहुत बन के आई, सोचा था लट्टू हो जाएंगे मेरे ऊपर, पर उसको पता नहीं। श्री राम का कहना है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, सनमुख होए जीव मोहि जबहि, 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 जन्म कोटि अघय नासो तबहि, जन्म कोटि अघय नासो तबहि, निर्मल मन जन सो मोहि पावा।
कपट छल छेत्र न भाव। मोही कपट छल छेत्र न भावा। मम दर्शन फल परम अनुपा। 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 जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 आनंद हो गया अपन। आठवीं दुर्गा कौन है? महागौरी है। वो जीव को सुंदरता देती है, पर कौन सी सुंदरता? सुपनखा बड़ी सुंदर बन के आई, ठाकुर जी देखे ही नहीं। क्यों? जानते हैं, ऊपर से बड़ी चिकनी चुपड़ी बन के आई है, भीतर से तो राक्षसी है, देखे नहीं। इतनी सुंदरी बन के आई, भगवान एक बार भी नहीं दे। आंखें में सुपनखा ने कहा, भाई ब्याह मत करना, देख तो लो, तुम्हारे लिए इतना मेकअप किया मैंने। भगवान बोले, मोही कपट छल छिद्र न, मुझे कपटी अच्छा ही नहीं लगता, देखा ही नहीं भगवान। और दूसरी ओर ओ गरीबनी भीलनी शबरी, कोई लीपा पोती नहीं की उसने, वो कोई सुंदर है क्या? कुरूप शरीर है, पढ़ी लिखी नहीं है। शबरी मैया क्या ब्राह्मणी है? आ दलित 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 नाम पे नाटक होता है भैया? सबरी मैया दलित थी। किसने कहा हिंदू धर्म में भेदभाव है? न हमारे भगवान ने भेद किया, न हमारे संतों ने किया। यदि भगवान के दरबार में बड़ा छोटा हो तो श्री राम किसी दलित के घर पे झूठे बेर खाने जाएंगे क्या? बताइए, सबरी कौन है? दलित नहीं है क्या? वो दलित परिवार से है। श्री राम गए कि नहीं गए? बड़े बड़े ब्राह्मण आचार्यों के घर भोजन किया कि नहीं किया पता नहीं, लेकिन शबरी के हाथों से तो झूठे बेर खाए हमारा। क्यों पाए हैं? क्योंकि श्री राम की दृष्टि में सुपनखा सुंदर नहीं है, श्री राम की दृष्टि में शबरी सुंदर है। क्या कहते हैं श्री राम? कह रघुपति सुने भामिनी बाता। कह रघुपति सुने भामिनी बाता। कह रघुपति सुने भामिनी बाता। कह रघुपति, भगवान भामिनी कह रहे हैं, भामिनी बाता। भक्तिवान हो भले नीच कुल में जन्म हुआ हो, भक्तिवंत अति नीच हूँ प्राणी। भक्तिवंत
प्राण सम यह मम बानी, मोहि प्राण सम यह मम बानी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, कह रघुपति सुन भामिनी बाता। मानव एक भगत करना शबरी जी को भगवान ने तीन बार भामिनी कहा, भामिनी कहा, भामिनी माने अत्यंत सुंदर। तो शबरी क्या सुंदर है, अरे सारी जिंदगी तो रामा रामा रटते बीत गई, कोई सुंदर है? वो पहले से कुरूप है, शरीर तो सुंदर नहीं है, इतनी वृद्ध है, हाथ पांव चलते नहीं, जिंदगी बीत गई रोते रोते भगवान के लिए। पर ठाकुर जी को शबरी सुंदर लग रही है, सुपनखा बसूरत लग रही है, चूंकि ठाकुर हृदय की सुंदरता को देख रहे हैं। वो भीतर वाली सुंदरता कौन देता है बंधुओं? वो भीतर वाली सुंदरता ये महागौरी देती हैं, महागौरी देती है, महागौरी थी अष्टमम आठवीं दुर्गा, आठवां नवरात्र और आठवीं भक्ति सख्य। सख्य भाव माने ऐसा सुंदर बना देती है कि फिर ये जीव भगवान का सखा बन जाता है, फिर ये जीव राधा रानी की सखी बन जाता है। ऐसी सुंदरता देती है। अरे और भक्त तो भगवान के पीछे पीछे चलते हैं, और ब्रज में गोपी क्या कहती है? हम सब तो ये कहते हैं भगवान में मन नहीं लगता, भगवान मिल जाए, भगवान में मन नहीं लगे, माला में मन नहीं लगे, भजन में मन नहीं लगे। और गोपियां यशोदा जी को क्या शिकायत करती हैं आपको पता है? क्या कहती हैं? माई मोरी श्याम लग्यो संग डोले, माई मोरे श्याम लग्यो संग डोले, आ श्याम लग्यो ई संग डोले, श्याम लग्यो रे संग डोले। क्या कह रही है गोपी? कन्हैया मेरे पीछे पीछे लगा डोल रहा है। जिस ब्रह्म को ढूंढने वाले हार गए थक गए, वही ब्रह्म गोपी के पीछे पीछे लगा डोल रहा है। श्याम लग्यो ई संग डोले, श्याम लग्यो री संग डोले, श्याम लग्यो ई संग जितही जाऊं तितही आवत है, जहां जाती हूं वहीं आ जाता है। बोले
संग डोले माई मोरे श्याम लगो संग डोले। यशोदा मैया ने कहा तो बिन बोले तोते बोले तो तू मत बोला कर, घूंघट कर लिया कर। गोपी ने कही क्या करूं, घूंघट कर लेती हूं तो मेरे नैना नहीं मानते। क्या कहते हैं नैना, आहा करूं ए नैना लोभी, आंखें हरि दर्शन की प्यासी। बस में कर लिया है बस कीने बिनो मोले, बस कीने बिनो मोले। श्याम लग्योई संग डोले माई मोरे श्याम संग डोले माई मोरे श्याम लगोरी संग डोले। कुंभन दास लाड़ लो गिरिधर, कुंभन दास लाड़ लो गिरिधर, हंसी हंसी घूंघट खोले मायरी, हंसी हंसी घूंघट खोले, हंसी हंसी घूंघट खोले, हंसी हंसी घूंघट खोले। श्याम लग्यो संग डो मोरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मोरे श्याम लग्यो संग डोले, माई मोरे श्याम लग्यो संग डोले, श्याम लग्यो संग श्याम लग्यो संग डोले। हमारी समस्या ये है कि हमारा मन श्याम सुंदर में नहीं लगता, भगवान में नहीं लगता। और गोपी कहती है श्याम लगेओ संग डोले, एक क्षण को मुझे नहीं छोड़ता। बंधुओं ये जीवन में महागौरी की कृपा है। समझिए कि आठवें नवरात्र की पूजा हो गई, ये आठवें नवरात्र की पूजा है। आठवीं दुर्गा महागौरी है और आठवीं भक्ति कौन सी है, सख्य। ये जीवन में जब महागौरी तत्व जागृत होता है तो राधा रानी की सखी बना देता है, सीता जी की सखी बना देता है, जिसकी जो उपासना है सखा बना देता है। ये सख्य भक्ति है महागौरी।